मैं दिनेश महेश्वरी आपका स्वागत करता हूँ। अभी तक आप हमारे इस चैनल के माध्यम से वैदिक गणित सीखने के आसान और सरल तरीके देख रहे थे। इसी वीडियो सीरीज का चौथा पार्ट इस बार हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस वीडियो सीरीज में हम आपको बताने जा रहे हैं निखिलम सूत्र। ये निखिलम सूत्र क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देख के तो थोड़ा डर लगता है कि कैसे करेंगे, इतना सारा बार बार पढ़ना बोलेंगे, तो इसके लिए हमारी हेल्प करता है निखिलम सूत्र। पहले जो तीन सवाल बताया उसमें तो कौन सा फॉर्मूला लगा, अभी उनकी डिटेल से भी पढ़ाऊंगा मैं, पर तेरा खाली बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होते हैं सवाल, समझ में आ रही है बात। दूसरा जो नाइन वाले के लिए जिसमें पूरे एक संख्या में नौ नौ है, उसको हमने एक न्यूनियर पूर्वेड से किया। अब इसमें ये अलग है तो अब उस कायदे से नहीं होगा क्योंकि अंक चेंज हो गया ना। अगर यहाँ भी नौ लिख दूं तो वापस उसी तरीके से होगा, पर अभी नहीं लिखा मैंने। अब तीसरा सूत्र जो है निखिलम, पूरा नाम है निखिलम नवस चरम दशद। निखिल का मतलब होता है सभी, सभी अंकों को नौ में से और अंतिम अंक को दस में से घटाते हैं। तो हमारे पास बड़े अंक है, बड़े अंकों से ज्यादा परेशानी होती है, पढ़ा ज्यादा बोलना पड़ता है, ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है, तो निखिलम सूत्र हमारी हेल्प करता है, बड़े अंकों को छोटे में बदल देता है। तो देखिए इसमें यहां से यहां तक ये अंक जो है इसको काय में से माइनस करेंगे हम, और लास्ट वाला जो है उसको दस में से करेंगे। अभी सारे फॉर्मूले की डिटेल में लिखूंगा आपको आइजन में, ताकि और आसान हो जाएगा। अब देखिए नौ में से आठ गया तो कितना बचा, दो तीन चार, नो है ना यहाँ पे, तो जीरो एक दो तीन तीन एक, और लास्ट वाली को किस में से ये ध्यान रखना है, दस में से, तो दस में से दो गया तो कितना, तो इसका पूरक संख्या लिखी हमने आधार में से घटा के, और इसमें कितना अंतर है आधार से, केवल दो का है ना, तो अपने केवल कितना लिखा, दो। इतनी बड़ी संख्या को, बड़े अंकों को हमने छोटे अंकों में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए इसमें पूरी संख्या में से हम दो को माइनस कर दें, माइनस लगा हुआ है ना, अगर आधार से बड़ी होती तो प्लस भी आता है, जो डिटेल में समझेंगे उस बात को। अभी हमारे पास दो का अंतर है तो हम तिरछा करें, इसमें से दो को माइनस कर दें या फिर इस संख्या में से इसको करें, तो समझदारी किसमें है बताओ, जल्दी आंसर कैसे आएगा। पूरी संख्या में से दो को माइनस करना ज्यादा आसान है, और इसमें से अगर इसको कर दें तो आंसर तो सेम आएगा पर बेवकूफी है, हम तो आसान काम चाहिए ना। तो हम इसकी संख्या में से किसको माइनस करेंगे, तो ये आठ सात छ पांच नौ आठ सात छ छ आठ, और नौ में से दो गया तो कितना बचा, ये बाया हिस्सा आ गया हमारे, केवल दो घटाने से आधा आंसर आ चुका है। अब इसमें दाया हिस्सा करने के लिए केवल किसका पाड़ा बोलेंगे, अगर हम इसको पुराने कायदे से करते थे इनका बार बार पाड़ा बोलना पड़ेगा ना, बड़ी दिक्कत आती, पहले तो मन ही नहीं करेगा इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने का,
पर हमारा काम निकिलम सूत्र ने आसान कर दिया, केवल दो का पाड़ा बोलने से ही हमारा दाया हिस्सा आ रहा है इसमें, तो करिए। वैसे हासिल कहीं नहीं लग रहा तो चाहे तो हम इधर से भी ले सकते हैं, पर गुणा हमेशा किधर से करते हैं हम, है ना, क्योंकि हासिल जब आया तो दिक्कत आती है ना, इधर लगाना पड़ता ना। पर अभी कहीं भी नहीं आ रहा हासिल, क्योंकि हमने जानबूझ के दो ही लिया है, तो इधर से लिख लेते हैं। एक दुआ दो, दो दुनी तीन, दुनी चार, दुनी आठ, दो को जीरो से क्या जीरो, एक दुआ दो, दो दुनी चार, तीन दुनी छः, छः दो दो। क्या परेशानी महसूस हुई क्या? इसीलिए वैदिक गणित को बिना आंसू की गणित भी कहते हैं। अब थोड़ा नाम पे गौर करो कि ऐसा क्यों लिखा, क्यों नाम दिया होगा बिना आंसू की गणित, सोच के देखो। देखो अभी जब प्याज छीलते हैं काटते हैं तो आंसू आते हैं, यानी परेशानी होती कि नहीं होती है, जलन होती है आंखों में। परंतु वैदिक गणित सीखने में क्या आपके दिमाग पर जोर पड़ा किसी तरह का? नहीं। कोई भारी बोझा लगा? नहीं लगा ना बिल्कुल भी नहीं। तो वैदिक गणित के सूत्र हमारी गणना को जो बड़ी बड़ी है उसको बहुत आसान कर दिए। केवल किसका पाड़ा बोला हमने? दो का पाड़ा बोला और अपना काम आसान कर लिया, दो के पाड़े से काम चला लिया और इतनी बड़ी संख्या का गुणा हमने आसानी से कर लिया। अब इसके बाद ये सवाल है, तीन फॉर्मूले की बात हो गई। पहला जो बताया था मैंने एकाधिक है पूरे, दूसरे नंबर पे जब नौ नौ वाली संख्या थी तो एक महीने पूर्व फॉर्मूला काम में लिया, तीसरा लिया निकिलम। तो इसमें नीचे वाली संख्या हमने जानबूझ के बड़ी लिखी ताकि अपना जो अंतर है कम आए, छोटा आए, ताकि हम इसका पाड़ा बोल लें। संख्या तो और भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि आठ ही लिखो, अभी जैसे अट्ठाईस लिखेंगे तो बारह का पाड़ा बोलना पड़ेगा, बारह का अंतर है कि नहीं आधार से। तो तीन सूत्र हो गए, निकिलम पे आधारित था। अब इसमें पहले जैसी कोई विशेषता नहीं है, न तो इसमें नो है, न कोई टोटल दस आ रहा है, और निकिलम के आधार के नजदीक भी नहीं है। तो ऐसे केस में उर्दु तिरक वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। तो देखिए इसमें समूह संख्या बनती है, जो डिटेल बाद में बताऊंगा आपको, अभी तो डायरेक्ट कर रहा हूं। इसमें एक को तीन से करो कितना आया, दिख रहा है सवाल या फिर ऊपर लिखूं बोलो? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एक दिया तीन, अब इसमें इस ग्रुप को करेंगे एक को एक से और तीन को तीन, तो तीन दुनी छः और एक एकम एक कितना हुआ? विस्तार से आपको धीरे से बताऊंगा, पहले सवाल करने जो लास्ट है। लिख लिया? अब तीन अंकों वाला ग्रुप कोने से कोना, ये करिए गुणा, तीन दिया नौ और एक दुआ नौ, दो कितने हुए? ग्यारह में बीच वाला भी आएगा, ग्यारह और दो कितने हुए? तेरह के तीन हासिल एक। अब ये वाला ग्रुप करिए, दो को दो से करिए और तीन को एक से करिए, कितने हुए टोटल? और हासिल का भी चल रहा है, तो ये आंसर आ गया। तो इसमें सवाल कितना भी पड़ा हो, कैसा भी हो, चाहे उर्दू तिरक से करें, किसी से भी करें, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, समझ गए? तो इतनी आसान है, गुणा और भाग में भी कुछ कायदे जो नौ से रिलेटेड है, काफी सिंपल है, डायरेक्ट आंसर आता है। और नौ के अलावा जो संख्या उसमें थोड़ा हमें पाड़ा बोलने की आवश्यकता होती है। तीन से गुणा हो गया, हाँ तीन दुनी छः वाला पोर्शन रह गया लास्ट का, जैसे जहाँ से शुरू किया था ना हमने, उसी तरह इसका भी आएगा लास्ट में, तीन को दो से। सिंगल से स्टार्ट किया था, सिंगल पे एंड होगा उसका, समझ गए ना?
अब जब और सवाल करेंगे और तो तेरे को पूरा लेंगे डिटेल में, तो अच्छी तरह समझ आएगा, समझ गए ना। तो ये विशेषता है वैदिक गणित की, यानी ये खूबियां है कि हम किसी भी तरह की गणना को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, चाहे गुणा हो, भाग हो, वर्गमूल हो, घन हो, किसी भी तरह की कैलकुलेशन से रिलेटेड है। वैदिक गणित ज्यादातर गणना में ही ज्यादा इसका काम पड़ता है, हालांकि बीजगणित वगैरह में भी उपयोग है, पर सबसे ज्यादा कैलकुलेशन में जो हमारा सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करती है। और इसमें इसको बिना आंसू की गणित के अलावा मानस गणित भी कहा गया है, मेंटल मैथ्स, सुना नहीं आप लोगों ने। तो अपने इसको जब करते हैं, अंकों को देखते हैं और ये पता लगाते हैं सूत्र कौन सा होगा, दिमागी कसरत होती कि नहीं होती है, होती है। तो दिमाग की जब कसरत होगी तो कौन मजबूत होगा, दिमाग तेज होगा, नहीं बात समझ में। अभी हम शरीर को बलिष्ठ करने के लिए, फिटनेस रखने के लिए आप लोग एक्सरसाइज करते हो, कसरत करते हो ना, ताकि आराम से काम कर सके, दर्द नहीं करे शरीर। तो जैसे अभी मैं किस हाथ से लिख रहा हूँ, सीधे से लिख रहा हूँ, तो मेरा कौन सा हाथ एक्सपर्ट हो गया, दायां हिस्सा एक्सपर्ट हो गया, ये दायां हाथ एक्सपर्ट हो गया। बाएं से लिखूंगा तो काम तो चल जाएगा, पर ना तो राइटिंग सही आएगी ना स्पीड ऐसी आएगी। तो मैंने ट्रेंड किसको किया, दाहिने हाथ को किया, क्योंकि बार बार इसे काम करना। ऐसे आप इसमें दिमाग लगा के जब सवालों को करोगे तो आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी, यानी दिमागी कसरत होगी। तो अगर आप दिमाग बढ़ाना चाहते हो तो दिमाग की क्या करवानी पड़ेगी आपको, मीन्स सोचना समझना पड़ेगा। इसीलिए वैदिक गणित को मानस गणित यानी मेंटल मैथ्स भी कहा गया है।